हे गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हिंदी टेक HD। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं Redmi 10 Prime वर्सेस Oppo A54 के बीच में, और साथ ही देखेंगे कि फ़ोन के कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बॉडी ऑफ द डिवाइसेस, फीचर्स, कम्युनिकेशन चिप्स एंड अबाउट द प्राइसेस में कौन सा डिवाइस बेस्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़ोन के कैमरा से। रियर कैमरे से स्टार्ट करते हैं। 10 प्राइम में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और वहीं ओप्पो A54 की बात की जाए तो उसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो बिना किसी डाउट के 10 प्राइम इस केस में विनर रहेगा, क्योंकि ये क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है और 50 मेगापिक्सल का आपको इसमें वाइड कैमरा मिल जाएगा, जो कि अच्छी क्वालिटी देगा फ़ोटोज़ की। और बात की जाए फ्रंट कैमरे की, तो 10 प्राइम में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिलता है और A54 में आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा। तो फ्रंट कैमरा के मामले में विनर आएगा A54, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा आपको बेटर पिक्चर्स क्वालिटी दे देगा एज़ कम्पेयर टू 8 मेगापिक्सल के कैमरे से। और बात की जाए कैमरा फीचर्स की, तो दोनों डिवाइसेस में आपको LED फ्लैश, HDR और पैनोरामा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सो इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, तो दोनों ही डिवाइसेस आपको फुल HD की रिकॉर्डिंग 30 FPS पर दे देते हैं, सो इसलिए दोनों के बीच में फिर से टाई रहेगा। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के परफॉर्मेंस की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। 10 प्राइम में आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और A54 में आपको एंड्रॉयड 10 का। ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में 10 प्राइम इस केस में विनर रहेगा, क्योंकि न्यूअर जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। और बात की जाए यूज़र इंटरफेस की, तो 10 प्राइम में आपको MIUI 12 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और वहीं बात की जाए A54 की, तो आपको उसमें ColorOS का UI देखने को मिलता है, सो इस केस में दोनों के बीच में टाई रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर है आपको कौन सा UI पसंद है, ये आपके ऊपर है। और बात की जाए प्रोसेसर की, 10 प्राइम में आपको MediaTek Helio G88 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और A54 में आपको MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। सो प्रोसेसर के मामले में दोनों के बीच में बना रहेगा 10 प्राइम, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग स्पीड ये ज़्यादा दे देता है। और बात की जाए ग्राफिक यूनिट यानी GPU की, तो 10 प्राइम में आपको माली G52 का ग्राफिक यूनिट देखने को मिलता है और A54 में आपको PowerVR। क्लियरली विनर रहेगा 10 प्राइम, क्योंकि आपको ज़्यादा FPS दे देगा। क्लॉक स्पीड की बात की जाए तो 10 प्राइम में आपको 2.0 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है और ओप्पो A54 में आपको 2.35 GHz की, और A54 में आपको 2.35 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। सो क्लॉक स्पीड ज़्यादा होने की वजह से A54 इस केस में विनर रहेगा। और बात की जाए रैम ऑप्शन की, तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको 4 और 6 GB का रैम ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा। इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो दोनों डिवाइसेस में आपको 64 और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए एक्सटर्नल कार्ड स्लॉट की, तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको MicroSDXC का डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन देखने को मिलता है, इसलिए दोनों के बीच में फिर से टाई रहेगा। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के डिस्प्ले फीचर्स की तरफ। स्क्रीन साइज से स्टार्ट करते हैं। 10 प्राइम में आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और A54 में आपको 6.51 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से दोनों डिवाइसेस के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, 10 प्राइम में 83.4 का रेशियो देखने को मिल जाता है और A54 में आपको 82.6% का रेशियो देखने को मिलता है, तो डिफरेंस ज़्यादा ना होने की वजह से इस केस में भी दोनों के बीच में टाई रहेगा। बात की जाए स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो 10 प्राइम में आपको फुल HD+ की डिस्प्ले देखने को मिलती है और A54 में आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, इसलिए दोनों के बीच में विनर रहेगा 10 प्राइम, क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी आपको इसकी ज़्यादा अच्छी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू A54 के। और बात की जाए डिस्प्ले टाइप की, तो 10 प्राइम में आपको LCD डिस्प्ले 90Hz के पैनल के साथ देखने को मिलता है और A54 में आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, सो क्लियरली इस केस में विनर रहेगा 10 प्राइम, क्योंकि फुल HD+ डिस्प्ले आपको शार्पनेस प्रोवाइड कराते हैं, जो कि HD+ डिस्प्ले नहीं कराती। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के बॉडी फीचर्स की तरफ। थिकनेस से स्टार्ट करते हैं। 10 प्राइम में आपको 8.9 mm की थिकनेस देखने को मिलती है और ओप्पो A54 में 8.4 mm की थिकनेस, सो इस केस में विनर रहेगा ओप्पो A54, क्योंकि स्लिमर बॉडी के साथ आता है
वेट की बात की जाए तो 10 प्राइम में आपको 181 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है और A54 में 192 ग्राम्स का। सो वेट के मामले में भी विनर रहेगा 10 प्राइम क्योंकि लाइटर बॉडी वेट के साथ आता ही है। बात की जाए प्रोटेक्टिव ग्लास की तो दोनों ही डिवाइसेस गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो प्लास्टिक बैक प्लास्टिक फ्रेम दोनों ही डिवाइसेस में मिलता है आपको, इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए सिम स्लॉट की तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, इसलिए फिर से दोनों के बीच में टाई रहेगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ। फिंगरप्रिंट से स्टार्ट करते हैं तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा। सेंसर्स की बात की जाए तो 10 प्राइम में आपको एक्सेलेरोमीटर प्रॉक्सिमिटी और कंपास का ऑप्शन देखने को मिलता है और A54 में भी आपको एक्सेलेरोमीटर प्रॉक्सिमिटी और कंपास का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा। बात की जाए बैटरी कैपेसिटी की तो 10 प्राइम में आपको 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है और A54 में 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी। सो क्लियरली विनर रहेगा 10 प्राइम इस केस में क्योंकि इसकी बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है। और बात की जाए चार्जिंग स्पीड की, 10 प्राइम में आपको 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है और A54 में भी 18W की फास्ट चार्जिंग। सो चार्जिंग सेम होने की वजह से दोनों के बीच में टाई रहेगा। बात की जाए लाउड स्पीकर की तो 10 प्राइम में आपको स्टीरियो स्पीकर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है और A54 में नॉर्मल स्पीकर्स का। सो इसलिए इस केस में रहेगा 10 प्राइम क्योंकि आपको इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस से करा देंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्पीकर्स के। और बात की जाए हेडफोन जैक की तो दोनों डिवाइसेस में 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है, इसलिए टाई रहेगा दोनों के बीच में। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के कम्युनिकेशन चिप्स की तरफ। डब्ल्यू लैन से स्टार्ट करते हैं। दोनों ही डिवाइसेस में आपको वाईफाई एसी ड्यूल बैंड वाईफाई वाईफाई डायरेक्ट और हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा। और बात की जाए ब्लूटूथ वर्जन की तो 10 प्राइम में आपको 5.1 जनरेशन का ब्लूटूथ देखने को मिलता है और A54 में 5th जनरेशन का ब्लूटूथ, इसलिए दोनों के बीच में विनर रहेगा 10 प्राइम क्योंकि न्यूअर जनरेशन ऑफ ब्लूटूथ के साथ आता है। बात की जाए पोजिशनिंग चिप्स की तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको AGPS ग्लोनस गैलीलियो और BDS का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसलिए फिर से दोनों के बीच में टाई रहेगा। और USB कनेक्टिविटी की बात की जाए तो सेकेंड जन का टाइप सी कनेक्टर आपको 10 प्राइम में देखने को मिलता है और A54 में भी सेकेंड जन का टाइप सी कनेक्टर लेकिन OTG सपोर्ट के साथ A54 में मिल जाता है, इसलिए इस केस में विनर रहेगा A54। चलिए बढ़ते दोनों डिवाइसेस के प्राइस की तरफ और देखते हैं कौन सा डिवाइस कौन सी रेंज में फॉल करता है। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो दोनों डिवाइसेस $200 से स्टार्टिंग रेंज इनकी मिल जाएगी आपको। और इंडियन मार्केट की बात की जाए तो 10 प्राइम की स्टार्टिंग रेंज 12,000 rupees है और A54 की स्टार्टिंग रेंज 14,000 rupees है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के कॉन्क्लूजन की तरफ और देखते हैं कौन सा डिवाइस कौन से सेगमेंट में बेस्ट रहा। कैमरे में विनर रहा 10 प्राइम, परफॉर्मेंस में विनर रहा 10 प्राइम, डिस्प्ले में विनर है 10 प्राइम, बॉडी सेगमेंट का विनर है 10 प्राइम, फीचर्स ऑफ डिवाइस में टाई है, कम्युनिकेशन चिप्स में टाई और प्राइजेस में विनर है 10 प्राइम। सो थैंक यू गाइज इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हिंदी टेक HD को, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ के साथ मुझे ये भी बताइए कि दोनों डिवाइसेज में से कौन सा डिवाइस आपको बेस्ट लगा। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा की ID आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।